actually you have now. How can you look so fake? Sir. How are you, sir? I'm bright as a button. I know. Oh. That was a better hug. The better hug. Ek baar zordar taaliyan super dancer 3 ke judges ke liye. सितारों का घूंघट लिए महताब होता है सूर्य सितारों का घूंघट लिए रोशन महताब है जिसका हर लफ्ज खूबसूरत वो ऐसी हसी किताब है बड़ी नाइंसाफी की आपने यूपी बिहार लूट के अरे लूटने के लिए पंजाब अब भी बेताब है क्या बात है मजा ही आ गया बाजी आपने क्या कर दिया बाजी क्यों? अब मैं आपको तब मानूं अगर अनुराग जी पे भी एक शेर सुनाओ तो आपने अपने हुनर से सिनेमा को निखारा है वाह अरे आपने अपने हुनर से सिनेमा को निखारा है उनके मजबूत इरादों के आगे कैंसर भी हारा है प्यार से सीरियस वाला मारा है। जब भी देखी आपकी मूवी तो ऐसा लगा बैट्समैन ने घुमा के सिक्सर से शतक मारा है। भाजी आप गीता जी के लिए हाँ इनके लिए होएगा तो मुझे लगेगा मेरे लिए सेम वी आर फ्रेंड्स नो वी आर सिस्टर्स या डांस की दुनिया में गीता जी का नाम ही काफी है Melting chocolate से dance moves, her step sizzling coffee है। Melting chocolate से coffee, perfect। इतने shows में judge रह चुकी हैं आप, madam, अब तो सिर्फ supreme court का judge रहना ही बाकी है। Ah, too good. Thank you. हाँ, यही बाकी है actually. एक मिनट यार, हम तो आगे जाई जा रहे। देवर जी, वो छोड़ के घर? कौन? देवर जी कप्पू शर्मा किधर है? इस शरीर की रूह है वो। Director Anurag Basu and the great choreographer Geeta Kapoor. Bhabhi, what a surprise! आप इनको कैसे ले आई यहाँ पे? बस 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 मैं ना actually ये हमसे पहले आते थे TV पे। मैंने कहा आज इनको उधर से खींच के अपने show पे ले आती हूँ। वाह! किस दिन बच्चन साहब को ले आओ? उनकी सूर्यवंशम चलती रहती है। हैं? चलो Bhabhi, जाके मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेके चलो। मैं चली जाऊंगी आप मुझे मिस करोगे बिल्कुल बेबी देवर जी हमने इनके शो पे डांस भी किया था अच्छा आप बड़े गले तो लग लग नहीं बनवा रहे अभी के वही बली है एक बंदा दादा लगता है इनको यकीन नहीं हो रहा ना नहीं नहीं हाय मेरा मत हाय कप्पू देवर जी हाँ जी तितली तो बोझली मेरे पंख दुखरे में आती हूँ जरा। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए प्लीज। सबसे पहले तो मुबारका। थैंक यू। आप आई क्यों नहीं? मैं लंदन थी। बड़े लोग लंदन में थे। हम इधर ही थे अंधेरी ईस्ट। हमारी शादी भी अंधेरी ईस्ट में होती है। ये लोग बिना काम के लंदन चले जाते हैं। वाह। पैसे और सुना मैंने कि शादी में बहुत सारा सोना भी मिला सोना मिला हाँ सोने की गिन्नी मिली गिन्नी तो मिली मेरे को ये देखो शादी से पहले मैं बहुत सोया ना क्योंकि शो था नहीं दुकान बंद थी तो बस पर अभी शुक्र है ऊपर वाले गा रहे आपको बहुत मुबारक सुपर डांसर सुपर डुपर हिट है भाई आपको भी आपको भी आपको भी आपको भी शुक्रिया सर बस एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे चैनल नंबर वन है पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं शिल्पा जी ये जो शेर वाली बेल्ट लगाई ना
अच्छा खुद तो योगा करती, इनका शेर भी योगा वाला, देख लो सारी बॉडी पीछे मुंह खाली आ गया उसका। शेर नहीं है, शेर नहीं है, शेर नहीं है, ये तेंदुआ है। ये अपना तेंदुआ लेके घूम रही, हम अपना तोंदुआ लेके घूम रहे। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोनों, आप भी दादा। हाँ, अरे वाह दादा, दादा आप भी बोल दो। आप भी। दादा, दादा ने अभी ना तितली को हक किया था ना, पूरा टाइट हक किया था, लेकिन फिर भी पेट की वजह से ना 2.5 फीट का फासला था। क्या करें यार, ये जिंदगी की आपाधापी ना, आपाधापी में इतने दो भाग में, हाँ हम कहीं पीछे छूट गए और पेट आगे निकल गया यार। पर दादा अच्छी बात है, आगे ही निकल रहे हैं ना हम। हाँ अच्छा, जैसे पाजी हमारे शो के आर्टिस्ट बहुत सारे लोगों के फंक्शंस में जाते रहते हैं, वैसे ही बच्चों का सवाल था, ये पूछ रहे थे कि जैसे आपका शो इतना हिट है तो ऐसे लोग आपको बोलते हैं कि हमारी बेटी का लेडीज संगीत आप तीनों आके जज करो। कभी ऐसे होता दादा? मुझसे पूछते हैं क्या बोलते हैं, आपका डांस क्लास किधर है? हमारे शो पे एक बच्चा भी है, वो इनको कोरियोग्राफर ही समझता है। अच्छा जी, पर वैसे गीता मैम आपको पता है ना कि जो आजकल नया ट्रेंड चला है, शिल्पा आपने भी देखा होगा, बहुत सारी शादियों में ना कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं और फिर सारे रिश्तेदारों को ना वो डांस एक ही स्टेप होता है, हालांकि वो शादी वाले दिन पूरा शिद्दत से खराब करते हैं। हमने भी मंगवाए थे एक कोरियोग्राफर ना मेरी शादी में। अच्छा, मंगवाए थे मतलब? वो 4 दिन आते रहे, करते रहे प्रैक्टिस, 4th दिन बोलते ऐसा है सर खुशी का माहौल है, खुशी मनाओ, ये स्टेप में कुछ नहीं रखा। बोला देखिए आपकी फैमिली तो जैसा नाचेगी नाचेगी हमारा करियर खराब होगा, तो हम करवा लेते हैं, किसी को बताना मत किसने करवाया। तो ऐसे थे हमारे रिश्तेदार। ये जो शादियों की फोटो है ना, शिल्पा शेट्टी की शादी हो रही है, राज कुंद्रा, ब्यूटीफुल पिक्चर आती है। हाँ। असली पिक्चर देखनी, मैं दिखाता हूँ अपनी शादी की। वो जो टल्ली हो गए तेरी शादी में आया था, उसको टल्ली हो करके वो पता नहीं कौन था, कोई क्या कह रहा था, कोई रिश्तेदारी था हमारा, क्या कह रहा था वो, रोज 5 दिन फंक्शन थे अमृतसर में, वो मेरी गर्दन पे पप्पी ले जाता था रोज। हाँ वो क्या करता था, एक तो दारू पी के आता था, ऊपर से वो चिकन खा के आता था, तो मिक्स सा कोई फ्लेवर आता था, और ऐसे बगल में आता था मुबारक हो। मैंने 6ठे दिन ना उसके भीड़ में मौका देखे, मैं कूनी मारी, उसको पता नहीं चला मैंने मारी, अब पता चल गया होगा अगर देख रहा होगा। तो मैंने कुछ खुद ही पूछा उनसे, दादा क्या हुआ, कहता यार पता नहीं कुछ लग गया है। पर लेकिन था कौन वो पता ही नहीं चला, कौन पप्पियां ले गया कोई पता नहीं है। अब मैंने सोचा इसलिए जाके ना सब इटली में जाके शादी करते इटली में जाके हैं। पाजी आपको पता है शिल्पा क्या करती हैं शो में, जैसे किसी बच्चे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, तो साक्षात दंडवत प्रणाम करती हैं। हाँ। पूरा ऐसे झुक के, अच्छा जितनी देर में झुक के वापस आती ना उतनी देर में एक और परफॉर्मेंस करके निकल लेता बच्चा। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम पुराना हो गया, किन कर्तव्य विमुख, किन योम उन, मतलब और क्या है शिल्पा, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे भी नहीं समझ आया। मंच कंपन नृत्य प्रदर्शन, वाह वाह, भूमि भंजन नृत्य प्रदर्शन, ऐसा वाला लेवल चल रहा है। ये सारा मतलब तो मुझे लगता है बच्चन साहब का असर हो रहा है, पहले केबीसी भी आता था ना। बहुत बहुत नमस्कार, वो भी उनका भी हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं बच्चन साहब, पर असर तो होता ही सेम चैनल पे है। दादा एक बात बताओ, जैसे गीता मैम और शिल्पा भी बहुत बात करती हैं और बड़ा प्यारा बोलती हैं, पर जब दो लेडीज इकट्ठी होती हैं तो आपस में बात करती थी, आप लेफ्ट आउट नहीं फील करते? बहुत करता हूँ सर। अरे मुझे तो कुछ समझती नहीं है दोनों, बस इसीलिए मेरा काम चल जाता है, क्योंकि खाने की अच्छी अच्छी चीजें आती है शिल्पा के पास, खाती तो कुछ है ही नहीं है। अब आपकी तरफ मैं, हाँ बस वही। ओहो, अरे 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 दादा, ये दोनों तो ये पूछो क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा वायलिन बज रहा है। और ये वापस जाएंगे तो हम बजाएंगे। अच्छा पाजी, गीता जहां पे भी जाती हैं इनको मतलब डांस की दुनिया में जो भी डांसर बनना चाहता है जो हैं वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि इनको प्यार से माँ बोलते हैं, मतलब कोई भी शो हो किसी भी चैनल का हो ये माँ रहती हैं, लोगो चेंज होते हैं चैनल के, ये गीता माँ रहती हैं। आपको मेरा लोगो वही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।